अस्सलामुअलैकुम। तो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैवल की ड्रेसिंग भाई कमाल हो गई है। पैंट कोट इसने पहना रखा है भाई, एकदम से लशपश हो चुका है ये वाला। और ये गाड़ी है ना भाई, इसकी नहीं, इसने चुराई है यहीं कहीं से। और इसके कपड़े देखो भाई, कितने आउट क्लास है भाई, क्या ही बात है। तो शुक्र इसने अच्छे कपड़े भी पहने, वरना ये गंदेला बन के रहता है ये बंदा। तो ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे यार इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और इसने अच्छे खासे कपड़े कैसे पहन लिए भाई साहब। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि भाई हमने एक गराज खरीदा जो बाइकर्स के बॉस को हमने मारा था। और भाई उसका गराज हमने ख़रीदा जो एयरप्लेन था इसका, वो भी हमारा चुका था। दो थे वहाँ पर जहाज़ और एक बग्घी थी, जिसका जो है ना वो तकरीबन दरिया के किनारे था या समंदर के किनारे था। वहाँ पे भाई शिपमेंट की बहुत ही ज़्यादा भी अर्जेंटली ज़रूरत होती थी लोगों को, जो भी चीज़ हमने आनी जानी होती थी ना लोगों ने, तो वो भाई बग्गियाँ एयरप्लेन लाजमी लेके जाते थे। और जो भी लेके जाता था भाई 5-5 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपया फ़ी फ़ी बंदे से हमने लेते थे, जो कि तकरीबन 2-2 3-3 घंटे का काम होता था। तो 3-3 घंटे के काम में भाई इतने ज़रा पैसे हम कमा लेते थे। तो भाई अब हो चुका है अमीर। तो हम यहाँ पे क्रिस्टल के पास आ चुके हैं। यहाँ पे भाई बहुत ही एक्साइटेड होता है ट्रैवल, और भाई ट्रैवल कह रहा होता है कि भाई आज तो हम बिज़नेस की डील हम कर ही देते हैं। और भाई यहाँ पे इस बंदे को हम भाई बुलाते हैं, ठीक है। तो चेंग को हमने भाई बुलाया। तो भाई बहुत ही एक्साइटेड तरीके से भाई ट्रैवलर्स को कह रहा होता है कि भाई आपसे हम भाई बिज़नेस डील हम करेंगे आपस में। तो चेंग इसको पूछ रहा है कि भाई क्या कौन सी बिज़नेस डील। तो वो कह रहा था कि भाई हम पार्टनर बन जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तुम भी अमीर हो मैं भी अमीर हूँ। तो अब मेरे पास पैसा भी आ चुका है, तो अच्छा खासा पैसा भी है, गैराज भी मेरे पास, तो एयरप्लेन भी है, तो बताते हैं अपने बारे में, मेरे पास बहुत कुछ आ चुका है, तो हम आपस में हम भी पार्टी हम एक कर लेते हैं, तो ठीक है। तो जो चेंग होता था यहाँ पर कहता है कि नहीं भाई हम अपनी पार्टी एक नहीं कर सकते, तुम्हारा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है। वो सॉरी बोलता है, तो उसे गुस्सा आता है ट्रैवलर को, कहता है भाई ये क्या मसला है, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो भाई, क्यों मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुमने गुंडों से मैंने तुम लोग को बचाया, वहाँ पे बाइकर्स से बचाया, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस को हमने लॉस होने से बचाया, तो आज तुम ये करोगे मेरे साथ, ठीक है। तो उसको गुस्सा आता है ट्रैवलर को, लेकिन जो चेंग वो मान ही रहा होता, वो कहता है कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उसकी वजह पूछता है, वो बताता नहीं है। तो भाई उसकी काफ़ी वजह पूछता है, वो बताता नहीं है। तो उसकी क्या वजह होती है भाई, वो बाद में बताते हैं। जब इसे दो पढ़ती है ना भाई, इसके भाई को या दोस्त पता नहीं वो कौन से वाला है, तो उसको जब पढ़ती है ना भाई, वो खुद ब खुद ही मुँह से उगल लेता है कि भाई मुझे किसने रोका होता है। तो वो मान नहीं होता, हालाँकि वो ट्रैवलर इसको बताता है कि भाई मेरा काफ़ी ज़्यादा सपना था, काफ़ी बड़ा मेरा ड्रीम था कि मैं ड्रग डीलर बनूँ, काफ़ी बड़ा ड्रग डीलर बनूँ, और मेरी आज ख्वाहिश पूरी होने वाली है, तो तुम मेरी ख्वाहिश में रुकावट नहीं पैदा कर सकते। तो उसके भाई इसको मारता है, वो बताता है कि भाई मेरी जो मेन वजह, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आ सकता, ओनेल जो है ना, ओनेल ब्रदर होता है, तो वो गैंग होता है, जो गैंग का नाम होता है ओनेल ब्रदर, ठीक है, ओनिल ब्रदर गैंग का नाम होता है भाई। वो कहता है भाई उसको मार लो, फिर हम आपस में डिसाइड करेंगे कि हमने डील करनी है कि नहीं करनी, फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर थोड़ी सी अपनी डील वगैरह कर लूँ। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, इसकी ऐसी की तैसी जो मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको ख़त्म कर दूँगा, अपना सपना पूरा करके ही रहूँगा भाई। इसका सपना होता है यहाँ पर, ये घटिया ड्राइविंग वाले लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बीच में ठोक देते हैं भाई, और अपना ये सपना पूरा करने के लिए भाई हर किसी को मारने की पूरी कोशिश करेगा, मार भी देता है। ड्राइवर काफ़ी गुस्से वाला है भाई, अब तुम लोगों को पता है कि भाई ये जब एक काम कर लेना भाई, इसको पूरा करके ही छोड़ता है ये बंदा, ठीक है। तो जल्दी से ओनली ब्रदर के पास जा रहे हैं भाई, और उनकी तबाही आने वाली है। तो उसको अभी तक खबर नहीं हुई, जब उसको खबर होगी ना भाई मैं उसके पास आ रहा हूँ, तो उसकी फ़ौरन से कॉल आ जाएगी। लो भाई, तो अभी मैंने बताया ही है, तो ओनिल की भाई कार आ चुकी है, और वो मुझे कह रहा है कि भाई ये बिज़नेस होता है भाई, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं होती, बिज़नेस में सब कुछ चलता है भाई, तुम वहाँ पे अपना काम करो, यहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। और भाई वो कहता है कि नहीं, इस इलाके में जितना भी है ना, पूरा ड्रग डीलर मैं ही बनूँगा सबसे बड़ा, यहाँ पे मेरे आसपास कोई भी हो तो मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और भाई ओनिल जो होता है वो कहता है कि भाई तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तो अपना काम करके रहूँगा, तुम अपना काम करो, ठीक है, तो मुझे रोक नहीं सकते। वो धमकी लगाता है ड्राइवर को, और वो उसे गुस्सा आता है भाई, उसे गाली 2-4 बक देता है। तो वो कहता है भाई मैं आ रहा हूँ, तुम अपना ज़रा ना बंदोबस्त करके रखो, तो अपन तुम्हारी पुंगी बजाऊँगा वहाँ पे आगे, तो तुम मेरा कद्दू भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसे गुस्सा आता है, वो कहता है कि ठीक है, वो फ़ोन कट कर देता है ड्राइवर अपना, और जल्दी से भाई वहाँ पर पहुँचता है, और इतने गुस्से में होता है भाई, वो कहता है भाई इन लोगों को तो छोड़ूंगा ना भाई, भाई आगे क्या सीन होने वाला है, आगे फाइट होने वाली है यहाँ पर, तो देखना है भाई कि इतनी मज़ेदार फाइट होगी भाई आगे। और रास्ता भूल गया मैं, थोड़ा सा आगे चले गया, मुझे पीछे जाना था, खैर होता रहता है भाई, लॉस एंजेलिस में सब कुछ चलता है भाई, सब कुछ चलता है, और GTA 5 में सॉरी लॉस तो पीछे रह गया ना।
आगे ये चिंग पटांग जो भी है जिसके चक्कर पे यहाँ पे आया हो, अगर वो मान जाता तो इसे फाइन लेनी पड़ती थी। तो ट्रैवलर को देख लेता उसे यार, इतने बड़े गैंग को उसने मारा, तो चेंग को फिर भी इस पे भरोसा नहीं आया, फिर भी कह रहा था नहीं वो मुझे मार डालेगा। यार क्या यार, इस बंदे की मदद नहीं करनी चाहिए थी। तो गाड़ी यहाँ पे मैं खड़ी करूँगा साइड पे और ऊंचे टावर पे जाके मैं देखूंगा बड़ी बिल्डिंग पे, क्योंकि मुझे देखना है वहाँ पे। अगर मैंने उसे धमकी लगाई है ना तो काफ़ी बंदे भी लेके आएगा, वो अलर्ट भी हो चुके होंगे, वो काफ़ी बंदों को गन वगैरह भी लेके आएंगे। तो इसलिए क्योंकि अभी मैं निहत्ता हूँ एकदम से, कोई भी मेरे पास गन नहीं है अभी, और ऊपर से सब कुछ देख रहा था वो भाई आपस में ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दूरबीन से भाई देख रहे हैं। ओ भाई साहब ये देखो भाई, पाटे पुराने कपड़े पहन के और दूरबीन से देख रहा है कि कहीं ड्राइवर आ तो नहीं रहा। ओ भाई शूटिंग रेंज चल रही है, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, यहाँ पे शूटिंग चल रही है भाई। और यहाँ पे भाई फ़ौरन से अलर्ट कर दिया जाता है कि ड्राइवर यहाँ पे आ रहा है जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वो अब हमारी खैर नहीं है। तो अपने दिफा के लिए भाई अपनी पिस्टल वगैरह गन वगैरह जितनी भी होते हैं भाई पकड़ लो, वो कहीं भी आ सकता है, किसी वक्त भी यहाँ पे आ सकता है। तो अलर्ट रहो वहाँ पे, जैसा भी उसे दिखो भाई, उसने भाई हमें ऑर्डर दिया अपने बंदों को, तो देखते ही ड्राइवर को गोली मार दें, तो भाई वो अलर्ट हो जाते हैं फ़ौरन से। लेकिन मैं थोड़ी सी स्नाइपिंग से देखूंगा दूर पे तो कौन कौन से बंदे हैं, स्नाइपिंग से मारने की कोशिश करूंगा। अगर भाई ऐसे मर जाते हैं ना भाई, तो क्या ही बात है, मैं कहता हूँ ज़्यादा खून खराबाना होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे कपड़े पहने हैं तो यार अभी वो ख़राब हो गए तो फट फुट गए ना भाई, तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है यार। अभी भाई इसको एक मारा और ये घूमके से समझ नहीं आई कहाँ से पड़ी है, तो इसको मारा हेडशॉट भाई। दूसरा बंदा देखो एक जगह पे हिल ही जा रहा है, पता नहीं नशा करके खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी गार्ड्स को अब मारेंगे लुकिंग फॉर, ओ भाई गार्ड ने हमको देख लिया, गार्ड ने भाई हमको देख लिया वहाँ पे, वो भाग रहा भाग रहा भाग रहा। तो अलर्ट हो चुके हैं सारे, तो अलर्ट हो चुके हैं, तो गार्ड ने हमें देख लिया था। अभी हम पे फायरिंग ना स्टार्ट हो जाए तो जल्दी से मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई भी बंदा मुझे नजर आएगा उसे फ़ौरन से भाई मार देते हैं यहाँ पे। ओ भाई ऊपर एक बंदा फुल जूम करके मैं देखता हूँ, ओ भाई यहाँ पे फायर रख के बैठा हुआ है, ओ भाई हमको मार रहा था, इससे अच्छा हुआ भाई हमने इसको देख लिया, ओ भाई हमने इसको देख लिया। ओ भाई अभी मरा क्यों नहीं, ओ भाई 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 हम पे फायरिंग, ओ भाई बंदों ने हमें देख लिया, बंदों ने हमें देख लिया। ओ भाई नीचे आ रहा है, तो इससे भी मारूंगा मैं अभी, ये इस पर एम नहीं लगता क्योंकि ये भाग रहा होता है। ओ भाई हम पे इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, तो मैं पीछे की तरफ भाग देता हूँ, अपनी शॉटगन ले लेता हूँ तो जल्दी से, क्योंकि वही काम आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो वाली स्नाइपर काम नहीं आने वाली, तो यहाँ पे भी इनको मैं मारता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है भाई, खून के डब्बे चेक करो भाई, इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है। तो यहाँ पे इसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ मैं, और भाई साहब यहाँ पे भी काफ़ी बंदे, ओ भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे होते हैं ना भाई, इतने ज़्यादा बंदे होते हैं भाई, बैंड बजने वाली अपनी भी यहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से बच निकलता हूँ मैं यहाँ पे। हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं ऊपर भाई, मैं क्या बताऊँ कि आखिर ही होने वाला है यहाँ पे, तो जल्दी से मैं भागता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे सारा बैंड बज जाए यहाँ पे, तो बिस्ती ना हो जाए यहाँ पे भाई, क्योंकि धमकी भी मैंने लगाई थी, अगर मैं मर गया तो बिस्ती हो जाएगी ना भाई अपनी, अपनी तो इज्जत नहीं रहेगी, मैं तो गुंडा हूँ यहाँ का भाई। तो वो कहेगा भाई ट्रैवल इतना बड़ा गुंडा, कि भाई एक छोटे से गुंडों से मर गया, इतने इतने बड़े गैंगस्टर को मारा है इसने, तो यहाँ पे भी इसको भी मारूंगा। और जल्दी से भाई यहाँ पे अंदर जाऊँगा भाई, उस घटिया इंसान को देखूंगा वो कहाँ पे है, वो मेरे ख्याल से तो ठीक है, अभी इसको भी मारेंगे, काफ़ी बंदे होते हैं, तो अंदर भी हम चलेंगे इस भाई की लैब है ना जो ये वाली, हम इसके घर को तबाह बर्बाद कर देंगे, ये वाली लैब है भाई, इसको हम एकदम से समझ लो कि भाई हम तबाह बर्बाद कर देंगे एकदम से को भाई, ताकि यहाँ पे बंजर हो जाएगी ये वाली जगह, देख लेना भाई, छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे किसी को भी, नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, सबको मार डालेंगे हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ घटिया लोगों, आ जाओ आ जाओ। तो अंदर की तरफ चलता हूँ, मुझे नज़र आता है सामने खिड़की में बंदे होते हैं, तो मैं बाहर की तरफ चला जाता हूँ और बाहर की तरफ देखता हूँ कि मुझे कि बाहरी बंदे तो नहीं बचे हुए भी, अगर ऐसा ना हो मैं अंदर चला जाऊँ, बाहर से भी पड़ रही हूँ और अंदर से भी पड़ रही हूँ। जैसे मैं अंदर आता हूँ और भाई मुझे बंदे नजर, ओ पीछे से पड़ रही होते भाई, ओ कहाँ पे बंदे कहाँ पे भाई, कहाँ, ओ भाई भाई पीछे 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 पीछे। तो यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ जैसे मुझे बंदे नजर आते हैं भाई। ओ भाई साहब अभी काफ़ी बुलेट्स लगी हैं इससे ट्रैवल बेचारे को, तो अभी इसको स्पॉट करूंगा थोड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं जल्दबाजी करूँ और मुझे मार डालें ये बंदे, और भाई इसको मैं टीवी भी लेके मारूंगा इसको। और जैसे मैं पीछे हो जाता हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं यहाँ पे, अभी छुप गया, अभी कहाँ छुप रहा है, तेरे तो मुंडी पे मारूंगा अभी, हिल 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 हिल, अभी उसकी मुंडी पे मारे। तो अभी मैं यहाँ पे वो स्पॉट करता हूँ, यहाँ पे मुझे बंदे नज़र नहीं आते, जो होते हैं वो मर चुके होते हैं, बेचारे को काफ़ी ज़्यादा लगी होती है। तो अभी मैं जाने का डिसाइड करता हूँ, अंदर की तरफ जाऊंगा और देखता हूँ यहाँ पे कोई जिंदा वगैरह है। ओ भाई साहब अभी ये बंदा बचा हुआ था, ये बाहर था, ये अंदर कैसे आया, अभी ये देखो भाई अंडा वगैरह फ्राई कर रखा है इन लोगों ने, क्या बात। ओ भाई
तू सामने क्या कर रहा है? पिस्टल चला रहा है तू? पिस्टल चला रहा है? कोई जिंदा है? जिंदा है कोई यहाँ पे? एक अबे बाहर आ, यहाँ पे बाहर आ, बाहर आ। इसको भी मारा कैसे भाई? लुक छुप छुप के मारा था हमें। अभी हमें गैसोलिन ट्राई करना है यहाँ पे, तो गैसोलिन का जो हमें ना वो उठानी पड़ेगी यहाँ पे। तो नीचे गैसोलिन पड़ी हुई मैंने देख ली है, तो ऊपर जाके देखूंगा कहीं के बंदे वगैरह तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो मैं गैसोलिन लेके ऊपर आऊँ, ऊपर आऊँ और पीछे से मुझे वो फायर मार दे और भाई मैं यहीं पे मर जाऊँ। तो इसलिए मुझे ऊपर देखना, जांच पड़ताल करना जरूरी था। कोई जिंदा तो नहीं बचा? कहीं ऐसा ना हो गया। एक बंदा भाई जिंदा बचा है लेकिन वो आने वाला है वो ऊपर मेरे ख्याल से। मार देंगे भाई उसे भी। ओ भाई नीचे था बंदा। ओ भाई अच्छा हुआ भाई ने देख लिया, वरना वरना मार देता ये। तो एकदम से मैं जल्दबाजी से नीचे आया गैसोलिन को पकड़ने के लिए। अभी भाई हमारा रास्ता एकदम से साफ है, कोई भी यहाँ पे नहीं है भाई। तो यहाँ पे गैसोलीन मैंने उठा लिया और यहाँ पे दो रहना तेल है ना जो सारा हम नीचे गिराएंगे, वो गिरा गिरा के भाई पूरे हम घर में ये तेल फैला देंगे भाई। इसको एकदम से ब्लास्ट करेंगे भाई। आप लोग देखना क्या सीन होने वाला है, फिल्मी सीन होगा भाई गेम में, देखना कैसा सीन होगा। तो अभी भाई इसने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था उन्होंने ने, तो इसको मैंने कहा था भाई मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम कहीं और जाकर ड्रग डीलिंग कर दो, बड़े माफिया बन जाओ वहाँ पे, लेकिन ये मेरा इलाका है यहाँ पे ना आओ। लेकिन कहता नहीं कि भाई तुम जो कर सकते हैं कर लो। धमकी लगाता ड्राइवर को, इसे पता नहीं है मेरा, ठीक है। तो अभी इसको पता चलेगा जब इसका पूरा पूरे का पूरा लैब, इसके जो बंदे मारे हैं ना, इसको पता चल जाएगा भाई। अभी ये भी सारा तेल अपने घर पे लगा दिया है तो इसकी अब तबाही मचा देंगे। अभी ये दोबारा यहाँ पे घर नहीं बना सकेगा, 50-60 साल तक ये घर नहीं बना सकेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपना इलाका हो चुका है ना भाई। हिम्मत कैसे करेगा यहाँ पे घर बनाने की? और यहाँ पे हमने जो तेल है वो हमने सारा गिरा दिया है गैसोलीन। तो अब बारी है असल मेन मकसद की भाई। बस 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 यार, इतना गुस्सा नहीं, कितना को गिराएगा, खुद भी मरेगा क्या? अभी मैं यहाँ पे करूँगा फायर, थोड़ा सा पीछे होके, कहीं मुझे ना लग जाए, कहीं मैं ना मार जूं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर करूँगा ताकि कहीं भी वो लग जाए, अच्छी खासी आग लग जाए। और भाई यहाँ पे आग लग जाती है, मैं फ़ौरन से भाग जाता हूँ कहीं ऐसा ना हो इस आग में खुद ही लपेटा जाऊँ मैं भाई। अबे भाई साहब आग लग गई, आग लग गई भाई, देखना देखना ये भाई साहब, ये फैलने वाली है, अब गैसोलिन की तरफ जाएगी नीचे, क्योंकि लैब होती है भाई, लैब में काफ़ी ज़्यादा केमिकल भी होते हैं आप लोगों को पता है, के हाइड्रोजन वगैरह, केमिकल वगैरह, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, काफ़ी ज़्यादा लैब में ना चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये देखो भाई सीन, देखो भाई एकदम से ख़तरनाक तरीके से भाई हमने इसको कर दिया फिनिश, और भाई हमारा जो मिशन है ना वो हो चुका है कामयाब भाई। तब हमारे मिशन में कोई भी नहीं आने वाला भाई, अब हम जी भर के भाई जो भी करें, अब हम बन चुके हैं ड्रग डीलर बहुत बड़े, क्योंकि यही मसला आ रहा था जिंदगी में, अपनी लाइफ में यही सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि इसे पता नहीं था यार कि हम कितने बड़े गुंडे हैं। तो फिर भी अभी इसे पता चल गया होगा, तो नेक्स्ट टाइम के अपने काम में टांग नहीं अड़ाएगा भाई ये बंदा, ठीक है। तो अभी गाइस जब वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।